रेजिस्टेंस क्या है और कैसे ये रिलेटेड है. ओके तो क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी से ये मैचिंग है. कंडक्टिविटी है मटेरियल्स की, फिर रेजिस्टेंस है, एंड उसके बाद कैसे हम लोग देखेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने अभी लिखा था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो अगर हम ये मेटल एक वायर का कंपोनेंट लेते हैं तो यहां पे ये मान लीजिए एक वायर है और इसका क्रॉस सेक्शन सिलिंड्रिकल है और ये क्रॉस सेक्शन आपका ये एरिया है. ठीक है, ये एरिया आपका क्रॉस सेक्शन. तो इसको हम लोग इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग मान लीजिए रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं. तो ये इसकी लंबाई है लेंथ और ये इसका एरिया है जो क्रॉस सेक्शन एरिया है. ठीक है, ये एक सर्किल होगा. तो R इज इक्वल टू रो एल बाई, अब L क्या है, ये लेंथ ऑफ द एलिमेंट है. क्या है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑफ द वायर मान लीजिए आप. ओके, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया. Of the wire. ये रेजिस्टिविटी है. ओके, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो हमें किसी कोई वायर है तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है. तो इसके लिए हम पहले इसकी लंबाई नाप लेंगे, उसके बाद जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो निकाल लेंगे. मान लीजिए सर्कल है ये, तो पाई आर स्क्वायर. ओके, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, और यहां पे रेजिस्टिविटी हो जाएगी ये एल ये. ओके, इस तरीके से हम, तो अगर इंसुलेटर है तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, कंडक्टर है तो आर की वैल्यू बहुत कम होगी. तो इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. यही क्वेश्चन आ गई, R इक्वल टू रो एल बाई ए. अगर हम इसको इधर ले जाते हैं, R इंटू ए इज इक्वल टू रो एल, रो इज इक्वल टू ए इंटू आर बाई एल. क्यों हम लाए यहां पे, कि हम रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस देखना चाहते हैं, रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट है हम देखना चाहते हैं. ओके, तो एरिया में हम लिख देंगे, मान लीजिए मीटर स्क्वायर हो गया, आर आपका ओम हो गया और एल मीटर हो गया. ठीक है, तो मीटर स्क्वायर इंटू ओम डिवाइडेड बाय एम, ये आपका चला जाएगा मीटर ओम आपकी रेजिस्टिविटी का, या ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, अलग अलग किस किस यूनिट में आपका दिया हुआ है उस हिसाब से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो. ओके, तो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई. देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. ओके, तो मटेरियल कॉपर हैज अ लो रेजिस्टेंस दैन स्टील, लेंथ लॉन्गर वायर्स हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस. तो आपने देखा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो अगर R L, अगर आपका जो लेंथ है वो लेंथ बड़ा होगा तो आपका रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, और एरिया जहां की बात है, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा. तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के, या तो आप वायर की लंबाई बढ़ा लीजिए या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप घटा दीजिए. ओके, तो ये दोनों तरीके हैं जिससे कि हम लोग अपना रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, या तो लेंथ को बढ़ा दें या फिर एरिया को कम कर दे. ठीक है, और अगर हम रेजिस्टेंस घटाना चाहते हैं तो हम लेंथ को गिरा दें तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया को हम बढ़ा दें तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. मतलब मोटा वायर, अगर मोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम, और लंबा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये सब चीज हम लोग पता कर सकते हैं कि मोटा वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या पतला का होगा, लेकिन मटेरियल आपको एक रखिए,
फिर आप कंपेयर कर सकते हैं. ओके, थिकनेस, स्मॉलर डायमीटर वायर, सब ग्रेटर रेजिस्टेंस, जैसे हमने कहा, ये सारी चीजें जो भी लिखी हुई है ये सिर्फ उसी इक्वेशन से आ रहा है आपका, R इज इक्वल टू रो एल बाई. ठीक है, तो ये आपका, ये R जो है आपका जो है R, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं. टेम्परेचर भी इसमें मतलब आपने वायर का लेंथ चेंज करके अपना रेजिस्टेंस चेंज कर लिया, एरिया चेंज करके कर लिया, और उसके बाद टेम्परेचर भी इस पर इफेक्ट करता है. ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करके भी आप काम कर सकते हैं. टेम्परेचर हीटिंग अ वायर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस. इस ग्राफ को देखिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए पे ये ग्राफ है. R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. अब हमने इस ग्राफ में एरिया सेम रखा है, रो सेम रखा है, और ये R जो है लेंथ हम चेंज करते जा रहे हैं एक ही क्रॉस सेक्शन का. तो आप देखोगे कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है. ठीक है, जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है आपका रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा. यहां पे दिखाया है कि ये एरिया क्रॉस सेक्शन है उसी वायर का, सेम एरिया है. ठीक है, और आपका जो है लेंथ चेंज होती जा रही है, सेम एरिया है. ठीक है, सेम एरिया है ए ए ए, और आपकी लेंथ चेंज होती, जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वो बढ़ता जाएगा.